याद रखिए, ठीक है, ये मामला है। ठीक, अब आइए मुनाफिक की कुछ सिफतें आपके सामने मैं रखता हूँ, जिन सिफतों को जानना बहुत जरूरी है। और जब मैं ये सिफतें आपके सामने रखूंगा, और इंशाल्लाह आज मैं 20 सिफतें रखूंगा, तो आप ये मत समझिए कि सिर्फ ये 20 सिफतें मुनाफिकों में होती है। मुनाफिकों की सिफत कुरान हदीस में 20 से ज्यादा है, लेकिन इतना वक्त नहीं है कि हम मुकम्मल सिफतें रखें, और बिलखसूस उसको कोशिश इस अंदाज से कि उसके अंदर कुछ ना कुछ मुकम्मल तौर से ज्यादा से ज्यादा, अगर सरसरी रखे फिर फला 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 तो बात मुकम्मल नहीं होगी। तो लिहाजा मैं मुनाफिकों की 20 सिफतें आज रखने की कोशिश करूंगा, जो सिफतें बड़ी बड़ी हैं, लेकिन हरगिज इसका मतलब नहीं कि सिर्फ इतनी इससे जायद है। मैंने जमा करके सिर्फ 20 रखने की, जो बड़ी सिफतें हैं, जो बहुत खतरनाक है, वो रखने की इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा। आइए मुनाफिक की पहली सिफत जो हदीसों में आती है, जो कुरान में भी आती है, वो ये है कि मुनाफिक झूठा होता है। मुनाफिक झूठा होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस हदीस में जो मुत्तफ़िक़ अलैह रिवायत है, सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है, और उसके रावी उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु नहीं है, एक रिवायत में 4 सिफत के अल्फाज है, एक में 3 के अल्फाज हैं, तो उसमें सबसे पहली सिफत मुनाफिक की जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताई, का इज़ा हद्दथ कज़बा, जब बात करता है तो झूठ बोलता है। ये किसकी सिफत है? मुनाफिक की। लेकिन आज कितनी अफसोस की बात है ना कि ये सिफत से कौन मुस्तस्ना है, इल्ला माशाल्लाह अल्लाह जिसको बचा ले। आज इतना झूठ, इतना झूठ, इतना झूठ, इतना झूठ कि आप और हम घर का कचरा भी फेंक रहे हैं तो उसमें भी झूठ बोलते हैं। वहां जरूरत भी नहीं होती, लेकिन वहां भी झूठ बोलते हैं। घर के कचरे में आदमी कैसे झूठ बोल सकता है? कचरा फेंक रहे हैं, उसमें कोई एक चीज आप ला रहे हैं और कोई पूछ रहा है ये कहां से है, तो ये तो हमने फलाना है, वहां भी झूठ बोलते हैं। क्योंकि उसको बताना कि बहुत बड़े मॉल से, बहुत बड़ी जगह से लाए थे, और इतनी बड़ी बड़ी जगहों की चीजें हम खाते हैं लाकर, जबकि वो है नहीं, वहां भी झूठ, कचरे में झूठ बोलते हो। मतलब झूठ का ऐसा जिंदगी का कोई शोभा नहीं छोड़ा जहां झूठ हम नहीं बोल रहे हैं। ये किसकी सिफत है? हदीस में आ रहा है इज़ा हद्दथ कज़बा, बात करता है तो झूठ बोलता है मुनाफिक। और मोमिन की सिफत क्या? जब बात करता है तो सच बोलता है, अच्छी बात करता है, वरना मुंह को बंद रखता है। तो मुनाफिक की पहली सिफत, पहली अलामत जो आती है वो झूठ बोलना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बताई, और कुरान ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये बताया, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 9 और 10 का अगर हम मुताला करते, अल्लाह फरमाता है युखादिउन अल्लाह वल्लज़ीन आमनू वमा यक़दउन, के धोखा देते अल्लाह और उसके रसूल को, जबकि हकीकत में यही धोखे में है। और जाहिर सी बात है, धोखा देना झूठ की किस्म है, समझ रहे? आप किसी को आकर मैं आपके साथ हूं, है ना, जबकि आप धोखा दे रहे उसको, आप उसके साथ नहीं है, तो आप बोलते क्या उस धोखा देने के लिए? झूठ। तो कहा धोखा देते अल्लाह और उसके रसूल को, लेकिन अपने नफ्स के अलावा किसी को धोखा नहीं दे सकते। दूसरी जगह सूरह मुनाफिक सूरह नंबर 63 की आयत नंबर 1 में अल्लाह ने फरमाया, वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, अल्लाह इसकी गवाही देता है कि मुनाफिक झूठा होता है, अल्लाह गवाही देता है इसकी। तो मुनाफिक झूठ बोलता है, याद रखिए वो झूठा होता है। और अल्लाह इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह फरमाते हैं, झूठ कुफ्र की बुनियादों में से एक बहुत बड़ी बुनियाद है। झूठ कुफ्र की बुनियादों में से एक बहुत बड़ी बुनियाद है। और उलमा शिर्क को भी झूठ की किस्म बयान करते, मालूम आप, शिर्क भी झूठ की किस्म है, इसलिए कि हकीकी माबूद को छोड़कर जब अल्लाह बंदा किसी और की इबादत करता है तो वो झूठ बांधता है, तो झूठ की किस्म है शिर्क भी। तो कहते झूठ जो है कुफ्र के, जो है जिसको हम कहेंगे बुनियादों में से बहुत अहम बुनियाद है, कुफ्र इस पर टिका हुआ होता है, झूठ पर टिकता है, जबकि ईमान जो है वो सच पर टिका हुआ होता है, सच्चाई का हुक्म देता है। ईमान वाले सच बोलते हैं, सच में इनकी जिंदगी गुजरती है, वादा खिलाफी नहीं करते हैं, झूठ नहीं बोलते। और झूठ से रिलेटेड जितनी बातें, झूठी गवाही, झूठ मजाक में झूठ बोलना, झूठ बोलकर किसी का माल हड़प करना, झूठी कस्में खाना, झूठ के जो जो अकसाम हो सकते हैं सबसे वो इज्तनाब करते हैं। तो झूठ बोलना मुनाफिकत की अलामत है, याद रखिए, और बहुत संगीन जुर्म है। लेकिन बहुत अफसोस की बात है, आज झूठ बोलने में कोई कसरत हम नहीं छोड़ रहे, कोई शोभा जिंदगी का नहीं छोड़ रहे, झूठ में बिला बेतहाशा झूठ बोल रहे हैं, ऐसी झूठ की अकसाम। और झूठ बोलना इतना आम हो गया कि अगर कोई सच बोले तो लोग पलट के देखते हैं, ये कहां से आ गया, ये कौन आदमी है सच बोल रहा है। जैसा मार्केट के अंदर हर आदमी झूठ बोल के सामान बेच रहा है, एक सच्चा ताजिर आ गया तो सब बोलते हैं ये पागल कहां से आ गया है। इसकी वजह से हमारी खलाई खुल जाती है, इसलिए कि मैं तो दूध जो है 40 रुपए लीटर बेचता हूँ, वो एक आके 60 रुपए लीटर बेचता है और बोलता है ये दूध में पानी नहीं मिलाता हूं मैं, अरे यार ये कहां से पागल आ गया। इसलिए कि इसकी वजह से तो हम फंस जा रहे हैं ना, हम तो झूठ पर काम करते हैं ना, और वो क्या कर रहा है फिर, सच बोल दे रहा है ना, है नहीं है। तो आज झूठ हमने कहीं नहीं छोड़ा, ना हमारे बाजार, ना हमारे मामलात। अरे मियां बीवी आपस में झूठ बोल रहे हैं एक दूसरे को, बाप बेटे एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं आपस में, अंदाजा लगा ही झूठ का आलम।
बच्चों को हम तरबियत दे रहे झूठ बोलने की, बाप घर में है, बाहर कोई दोस्त है, बेटे जाके बोलते अब्बा नहीं घर में, आप तरबियत दे रहे हो उसको झूठ की, क्या जवाब देंगे अल्लाह को क़यामत के रोज़? आपने उसको झूठ की तरबियत दी और बचपन से अपने बच्चे को आपने सिद्क और सच्चाई नहीं, उसे किस बार झूठ बोलना सिखाया कि बेटा ऐसा बोल सकते घर में रहकर बैठकर, है ना, कितनी संगीन बात है ना। और झूठ की बे इंतहा, मतलब इतना कसरत से बोला जा रहा है कि अल्लाह रहम कर, लेकिन याद रखिए ये निफाक की एक अलामत है और ये उन अलामतों में से, इसको भी याद रखिए, जो चार रसूलुल्लाह ने हदीस फरमाए जो एक साथ आ जाए तो पक्का मुनाफिक होगा, तो उसमें पहली भी है ये, समझ रहे आप। दूसरी अलामत मतलब अकीदे का जो मुनाफिक नहीं है उसमें भी अगर चार आ जाए तो वो पक्का बन जाता है, उनमें से ही पहली है झूठ। दूसरी अलामत मुनाफिक जो है वाइज़ वादा अखलफा, हदीस में आता है वादा का खिलाफ वर्जी करता है, वादे के खिलाफ काम करता है, खिलाफ वर्जी करता है, वाइज़ वादा अखलफा वादे के खिलाफ काम करता है। मुतफ़क़ अलैहि रिवायत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में जिसमें फरमाया कि चार सिफतें जिनमें हों, पहला फरमाया इज़ा हद्दथ कज़बा और उसमें दूसरी सिफत फरमाया इज़ा वादा अखलफा, वादा करता है तो खिलाफ वर्जी करता है, मतलब अगर हाँ कहा तो ना करेंगे, ना कहा तो हाँ करेंगे, हाँ बोला तो इसका मतलब ना होता, कल आ जाओ मतलब इसे कभी कभी मत आओ, दे दूंगा मतलब कभी नहीं देने वाला हूँ, इस तरह से वो खिलाफ करता है, वादा खिलाफी करना ये मुनाफिक की याद रखिए एक सिफत है। और ये एक सिफत ही नहीं, वो दूसरी सिफत है जो चार में से दूसरी है कि मिल जाए तो आप पक्के मुनाफिक, हम पक्के मुनाफिक हो सकते हैं, याद रखिए वादा खिलाफी। और वादा खिलाफी किस कसरत से की जाती है मुझे बोलने की जरूरत है कि आपने किसी से कहा मैं कल मिलने आऊंगा? देखिए अगर कोई शख्स कल का इरादा करता है और अगर इंशाअल्लाह कह दे तो एक अलग बात होती है, मतलब उसका मुकम्मल इरादा है वो काम करने का, लेकिन अगर जाहिर सी बात है कोई भी काम अल्लाह चाहता ही हो सकता है ना, वो एक अलग बात है। लेकिन आज कितनी अफसोस की बात है, अपने वादों पे अगर हम इंशाअल्लाह लगाते हैं तो लोग हमसे कहते नहीं इंशाअल्लाह नहीं पक्का बोलो, चूंकि तुम जब भी इंशाअल्लाह बोलते हो ना धोखा देते हो, है नहीं है ये मामला। देखिए अगर कोई कस्टमर मेरे पास आए और मुझे कल उसको चीज़ बना के देना, तो मतलब कल आ जाओ कल ले लेना ये, और वो कल आया और चीज़ मिल गई, अब वो दूसरे दिन आया कोई और काम के लिए, उसने कहा इंशाल्लाह कल आ जाओ तो फ़ौरन रुक जाता, कल जब सामान लाया था इसने बोला कल आ जाना, आज इसने बोला इंशाल्लाह कल आना, इसलिए कि उसने इंशाल्लाह इसीलिए बोला कि अब उसको धोखा देना था उसको, तो हमने अल्लाह के जिक्र को भी धोखा देने की चीज़ बना दी। पहले वो आगा हो जाता नहीं ये इंशाल्लाह बोल रहा मुसलमान, हत्ता कि गैर मुस्लिम को भी पता है कि मुसलमान को धोखा देना तो इंशाल्लाह बोलता हूँ, इंशाल्लाह कर देंगे, इंशाल्लाह चल जाओ, इंशाल्लाह हो जाएंगे ना, अरे इंशाल्लाह कर देंगे यार तुम्हें तो, इसका मतलब नहीं होगा और पक्का करूंगा मैं कल, हालांकि इंशाल्लाह तो उसी काम पर बोला था, इसको आपको पक्का करना है, लेकिन आप नहीं जानते ना कल तक जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे, वो काम होगा नहीं होगा, तो इंशाल्लाह बिल्कुल कल होने वाला है, तो इंशाल्लाह के साथ, लेकिन हमने इंशाल्लाह को सिर्फ एक बहाना बना दिया वादा खिलाफी करने का, है ना, कितनी बुरी बात है ना। तो वादा खिलाफ होता है याद रखिए मुनाफिक, और ये इसकी एक सिफत है वादा खिलाफी करना। ठीक, आइए मुनाफिक की तीसरी सिफत, जो वो चार सिफतों में से है कि अमली मुनाफिक भी अगर ये चारों सिफतें पैदा कर ले तो पक्का हो जाता है, उसकी तीसरी है अमानत में खयानत करना। वाइजा तू मीनू खाना, हदीस में अल्फाज आता है जब अमानत रखी जाती है तो क्या करता है, खयानत कर देता है। अमानत क्या है? अमानत का माना हर बार ये जरूरी नहीं है कि मैं कुछ पैसे लाऊं आपके पास और कहूं कि भाई अब्दुल्ला साहब अब्दुलरहमान साहब ये पैसे मेरे रखिए और मैं पैसे आके बाद मिलूँ, हाँ पैसे भी अमानत हो सकती है। ठीक, मैं आपसे आकर कहूं कि एक राज की बात है किसी को मत बताना, तो ये राज की बात भी अमानत हो सकती है। मैं कोई आपसे सीक्रेट शेयर करूं अपनी लाइफ का और ये कहूं किसको ना बताना, तो ये सीक्रेट भी जो है अमानत हो सकता है, समझ रहे आप। या मैं कोई चीज कोई जिम्मेदारी आपके सुपुर्द कर दूं, वो जिम्मेदारी भी अमानत हो सकती है। तो मुनाफिक क्या करता है, उस अमानत में खयानत करता है, मतलब चीज रखी जाए हड़प कर गया, बात कही जाए मार्केट ने पूरा प्रोपोगेट कर दिया, फैला दिया उस बात को, समझ रहे आप। तो वो क्या करता है, अमानत में खयानत करता है, और खाइन जो है खयानत करने वाला एक तरह की एक मुनाफिकत की सिफत अपनी नफ्स में पैदा कर रहा है। अब अमानत में खयानत करना, यहाँ तो हालात ये है कि किस पर एतमाद किया जाए, आज इंसान को किसी पर भरोसा नहीं, कि तो कोई इंसान को दूसरा इंसान अमानतदार नहीं पा रहा है आज के दौर में, ये निफाक की अलामत है। और चौथी मुनाफिक की अलामत जो है जो मैं रख रहा हूं, और ये वो चौथी है कि अगर अमली तौर से भी ये एक इंसान में चारों एक साथ आ जाए, याद रख लीजिए, तो वो भी पक्का बन जाता है, मतलब वो भी फर्स्ट कैटेगरी में चला जाता है और अकीदतन हो जाता है, चौथी सिफत। और आप देखिए झूठ, वादा खिलाफी, अमानत में खयानत करना, अल्लाह रहम करे कौन बच रहा है जिससे। आइए चौथी क्या बात है, और चौथी सिफत जो आज मैं रख रहा हूं ये कि जब बहस हो जाए
لڑائی ہو جائے تو بد کلامی کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، کیا اگر بحث ہو جائے، لڑائی ہو جائے تو کیا کرتا ہے، بد کلامی کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَإِذَا قَاسَمَ فَجَرَا، جب لڑائی ہوتی ہے تو کیا کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، بد کلامی بکتا ہے اپنے منہ سے. اور پھر حدیث نے فرمایا جو متفق علیہ روایت عمر بن خطاب راوی ہے، جس میں چار یہ ایک ساتھ آ جائے ایٹ اے ٹائم تو وہ پکا منافق، خالصن منافق ہے. یہ آدمی بھی کوئی ایمان والا ہو اور یہ چاروں صفتیں پیدا کر لے جو عملی ہے، لیکن اگر چاروں بے ایک وقت اس کے اندر ہو تو وہ بھی خالص عقیدتن بن جاتا ہے. پھر آپ نے آگے فرمایا ہاں ان میں سے اگر کوئی ایک دو تین ہے، مطلب پوری نہیں ہے، تو اس میں نفاق کی علامتیں ہیں، اگر توبہ کر لے تو اللہ معاف کر دیں گے انشاءاللہ. لیکن چاروں اگر ایک ساتھ ہے تو وہ پکا منافق ہے. آج یہ گالی کا معاملہ، بد کلامی کا معاملہ کتنا عام ہے مجھے بولنے کی ضرورت ہے؟ اپنے نو نہالوں کو، معصوم سے بچوں کو جب وہ بات کرنا سیکھتے ہیں تو بہت سارے والدین ان کو گالیاں دینا سکھاتے ہیں، بہت سارے چاچا اپنے بھتیجوں کو گالیاں دینا سکھاتے ہیں، بہت سارے ماما اپنے جو ہے بھانجے کو گالیاں دینا سکھاتے ہیں، اور جب وہ توتلی زبان میں تتلاتے تتلاتے کچھ تو بھی یہ گالی دیتا ہے تو خوش ہوتے ہیں، یا بد کلامی کرتا ہے تو خوش ہوتے ہیں، اور لوگوں سے کہتے بھی بہت جلالی بچہ ہے، ذرا سا بھی اس کو کچھ کر دیا نا تو تتے بولتا ہی، مطلب وہ کتا بولتا ہے سامنے والے کو، تو بولتے نہیں بہت جلالی ہے، بہت جوش والا نہیں کرنا، اور اس کو فخر کی علامت سمجھی جاتی ہے، میرے بیٹے نے گالی دیا کا تو پھر میرا بیٹا ہے نا وہ، ایسا کیسا ہو سکتا ہے وہ گالی نہ دے، ہے نا. بچوں کو گالیاں دینا سکھائی جا رہی ہے، یہ نفاق کی علامت ہے، یہ منافقت کی صفت ہے، اور یہ چاروں مل جائے تو وہ آدمی خالصاً منافق ہو جاتا ہے. کتنی خطرناک بات ہے نا. اب اللہ رحم کرے کون بچا اس سے. آج ہم نے صفتوں کو تو کوٹ کوٹ کر اپنی نفسوں میں بھر لیا. بد کلامی کا تو یہ عالم ہے، یہ عالم ہے کہ انسان، ایک انسان ہے اس کو آپ شریف سمجھ رہے ہیں. ایک واقعہ میں نے دیکھا ایک صاحب کو، کہ وہ ایک دیندار انسان ہے اور اپنا لباس بھی انہوں نے ایسا پہن رکھا ہے جو دیندار سمجھا جاتا ہے ہمارے علاقے میں، اور وہ کسی سے بات چیت کرنے لگے، بات چیت میں کچھ انبن ہو گئی تو وہ کہنے لگے ابھی ٹوپی اتاروں کہ بتاؤں کیا، ابھی عزت میں تو ٹھیک ہے ورنہ یہ اتار کے بتا سکتا ہوں میں کیا ہوں. مومن کی یہ صفت نہیں ہوتی ہے. مومن اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتا ہے، مومن برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتا ہے، مومن بد کلامی کا جواب بد کلامی سے نہیں دیتا ہے، مومن گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتا ہے. یہ صفت نہیں ہے مومن کی. بد کلامی منافق کی صفت ہے. مومن بد کلامی نہیں کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے کچھ یہودی گزرے اور گزرتے گزرتے کہا السلام علیکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر موت ہو. سلام کو گھما کر بول رہے تھے السلام علیکم. تمہاری عائشہ رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چہیتی بیوی اور عمر میں ایک چھوٹی بھی تھی، بہت کم آپ کی عمر تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کی عمر 19 سال تھی، تو یہ واقعہ ظاہر سی بات ہے آپ کی عمر کے 19 سال سے پہلے کبھی کا ہے، اور بہت جوشیلی تھی. ایک تو ظاہر سی بات ہے نبی کی اطاعت فرما برداری اور صحابہ کو بڑی محبت تھی نبی سے، اور نبی اور شوہر تو محبت تو دگنی ہوگی نا، ایک تو شوہر اور پھر دوسرا نبی بھی ہے نا. تو جب سنا تو اتنی غصے میں آئی اور کہا وعلیک السلام ولعنت اللہ، کہ اللہ کی موت تم پر ہو اور اس کی لعنت تم پر ہو. تو رسول اللہ نے جو ہی سنا تو کہا عائشہ، حالانکہ رسول اللہ نے اس کی بات سنی تھی یہودی کہ آپ نے جواب نہیں دیا، کہا عائشہ رکو رکو رکو، لیکن بولنے بولنے تھا عائشہ نے جواب دے دیا کہ وعلیک السلام تم پر بھی موت ہے ولعنت اللہ، اور اضافے کے ساتھ کہ تم پر اللہ کی لعنت بھی ہو چکی، تم نبی پر موت کی بات کرتے ہو. آپ نے کہا عائشہ نرمی کا رویہ اختیار کرو، اچھی بات کرو، مطلب مجھے بھی کوئی برا کہے تو تم کیوں جواب دیتی ہو اس کو برا، تم کیوں اپنی زبان خراب کرتی ہو، تم کیوں اپنی اس کا وہ کرتی ہو، رک جاؤ عائشہ. اور مائی عائشہ پھر رک گئی. ہو سکتا اور کچھ بول دیتی غصے میں آ کے اپنے شوہر کے خلاف کوئی بات کر رہا ہے، اور شوہر سے پہلے وہ نبی اللہ کے خلاف بات کرے، نبی کی تو ایک عام صحابی برداشت نہیں کریں گے. پھر ایک بیوی ہے وہ ایک نبی کی، اور پھر ظاہر سے تو عمر میں بھی کم ہے، جو زیادہ ہوتا ہے انسان میں کم عمر میں. تو کہا عائشہ نہیں، بد کلامی نہیں عائشہ، بد کلامی نہیں، اچھی بات کرو، وہ برا ہے تو کیا تم بھی بات کروں گی. دیکھیے گالی کا جواب گالی سے نہیں، اس نے خالی موت کے الفاظ تھا کہ جواب دیے نہیں دیے، روک دیا آپ نے. حالانکہ نبی کی نصرت، تائید اور جوابی کاروائی میں یہ کام کیا جا سکتا ہے کبھی کبھار، ایسی باتیں بھی ہو سکتی ہے جو
आम हालत में नहीं की जा सकती है, लेकिन नबी की ताईद में उसके हिफाजत में की जा सकती है, आपने रोका। लेकिन आज बदकलामी एक मामूल बन चुका है। कभी हम गलियों से गुजरते हैं, कभी मैं गौर करता हूँ अपनी गलियों से मसलन गुजरता हूँ, बहुत सारी बातें बदकलामी के कान से गुजरती हैं। बहुत ताज्जुब होता है, अमेजिंग लगता है, ताज्जुब होता है कि हम जिस नबी की उम्मत है जिसने अपने बीवी को उसके खिलाफ मौत की बददुआ के बाद भी बुरा कलाम अदा करना नहीं सिखाया, लोग एक दूसरे को वो करते हैं, बदकलामी करते हैं। और बदकलामी इस हद तक, बदकलामी सिर्फ गाली नहीं आती है, बदकलामी ये भी कोई, अब देखिए बदकलामी की आम मिसाल अपने बाप को, गरा मेरा बुढ़ा घर पे नहीं है, बुढ़ा फला है ना, कैसी अजीब बात है। हाँ ये अलग बात है, अगर किसी जबान में बाप को अगर बुढ़ा ही कहा जाता है तो फिर वो जायज़ है, जबान की नौयत होती है। जैसा कि मैं एक मरतबा जो एक प्रोग्राम के सिलसिले में जो है मेरा दिल्ली जाना हुआ, तो वहाँ कुछ लोग थे तो मुझसे कहा और मुझसे बात करने लगे कि बुढ़ाऊ बहुत अच्छी बात करते हो तुम, बोले। मैंने कहा मैं तो बुढ़ा नहीं हूँ और मेरे को बोल रहे तुम बुढ़ाऊ बहुत अच्छी बात करते हो, तो नहीं बोले हमारे समाज में बूढ़ा जो है या बुढ़ाऊ दूल्हे को कहते हैं, तो हम आपको खुशी से कह रहे हैं कि दूल्हे मियाँ बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप, तो उनके समाज में बूढ़ा दूल्हे को कहते हैं, मतलब चूंकि शादी हो गई तो अब खत्म उसकी जवानी, अब तो उसकी शादी हो गई, अब उसका मामला खत्म हो तो बूढ़ा हो गया, तो उस जबान में बूढ़ा अच्छे के लिए कहा जाता है ना। तो अगर किसी जबान में बूढ़ा अच्छे के लिए है तो वो अलग बात है, कोई अपने बाप को बुढ़ा कहे अलग बात है, लेकिन बदकलामी है ना, हमारे समाज में तो कोई बाप को बुढ़ा नहीं कहता, हमारे पास तो कितने अच्छे अच्छे अल्फाज मौजूद है उर्दू जबान के अंदर, है ना। ये हुई नहीं हुई बदकलामी, छोटे से शुरुआत होती है और मामला बढ़ता जाता है। तो निफाक की अगर ये चौथी अलामत, पहला झूठ बोलना, दूसरा अमानत में खयानत करना, तीसरा जो है वादा खिलाफी करना, और चौथा झूठ बोलना, एक साथ मिल जाए तो ये अमली निफाक की अलामतें मिलकर एक खालिस मुनाफिक पैदा कर देंगे। तो कोशिश करें फौरन तौबा करें, और ये तीनों सिफत में, ये चारों में से कोई सिफत हमारी नफ्स में ना हो, और ये नामुमकिन चीज नहीं है, तकलीफ दे होता है, मुश्किल जाता है, नामुमकिन नहीं इन सिफतों को अपने नफ्स में पैदा करना, इसलिए कि शरीयत हमें ऐसा कोई काम नहीं दे सकती जो हम ना कर पाए, और शरीयत कहते हो नहीं करो तुम। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। पांचवी सिफत जो मुनाफिकिन की होती है वो ये है कि इबादत में सुस्ती और काहिली करते हैं। इबादत में नमाज है, रोज़ा है, जकात है, हज है, इस्लाम के अरकान, बहुत सारी और भी बातें इस्लाम की जो करने का हुक्म देता है, जिनसे रोकता है, मुनाफिक के लिए इबादत करना बहुत सुस्ती उसको होती है। और नबी अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में फरमाता है, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 142 में अल्लाह ने फरमाया, वइज़ा क़ामू इला सलाति क़ामू कुसाला, जब नमाज के लिए खड़े होते हैं तो बहुत सुस्ती के साथ मुनाफिक खड़े होते हैं, बिल्कुल सुस्त, कसलान अरबी में कहते हैं सुस्त आदमी को, इंतहाई सुस्त बोलते हैं ना उर्दू में, सुस्त है यार, कसलान, सुस्त है एकदम। तो जब उठते हैं अल्लाह ने फरमाया, वइज़ा क़ामू इला सलाति क़ामू कुसाला, मुनाफिक की सिफत यह है कि जब नमाजों को उठते हैं तो कैसे उठते हैं, सुस्ती के साथ। ठीक, उनका मकसद नमाज पढ़ना चुके है ही नहीं ना, वो दिल से काफिर होते थे, वो तो खालिस मुनाफिक थे उस जमाने के, आपसन के जमाने के, है ना। तो नमाज को सुस्ती से उठते हैं, काहिली के साथ करते हैं, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मुनाफिक सफों में खड़े थे नमाज में, लेकिन सुस्ती से आते थे, तो पता चल गया कि मुनाफिक सुस्ती करता है। आज बहुत सारे लोग उम्मत मुस्लिमा भर में अपने आप को मुसलमान कहते हैं और मस्जिद का रुख जुमा से जुमा और कभी ईद से ईद होता है, और फिर मोमिन, ये मुनाफिक है जो नमाज में सुस्ती करता है, तो अल्लाह कह रहा है वइज़ा क़ामू इला सलाति क़ामू कुसाला, नमाज को उठता है तो सुस्ती से उठता है, तो मुनाफिक है, और यहाँ ईमान का दावा है और नमाज ही गायब है, वहां सुस्ती से पढ़ने वाला मुनाफिक हो रहा है और यहाँ नमाज ही नहीं पढ़ रहा, और फिर क्या है, ईमान वाले, और फिर जन्नत हमारी है, और पता नहीं बड़े बड़े दावे इसके अलावा, ऐसी अजीब बात है ना। यहाँ तो सुस्ती की वजह से वो निफाक में चला गया। रसूल अजम के जमाने के मुनाफिक सबसे बदतरीन मुनाफिक है, लेकिन वो भी नमाज नहीं छोड़ सकते, इसलिए कि उनको पता था नमाज छोड़ने से इंसान मुसलमान नहीं रहता। तो लिहाजा अगर हम मुनाफिक भी है, दिल से काफिर भी है, तो नबी के पीछे सफ में जाके खड़े तो रहना ही पड़ेगा हमको, लेकिन आज हम दावेदार हैं इस्लाम के, और नमाज ऐसी कसरत से हम छोड़ रहे हैं कि कुछ लोग तो जुमा भी नहीं पढ़ते हैं, मालूम, जुमा भी नहीं पढ़ते। अब आप कहेंगे ऐसा कैसा होता है लोग जुमा नहीं पढ़ते हैं, आपको बताओ मैं, लोग जुमा नहीं पढ़ते हैं, इसकी दलील, रमजान में आपके महल में कितनी मस्जिदें पुर रही है आपको नहीं, लेकिन जुमा तो एक ही मस्जिद में होती, पुर जाती है। अगर सब लोग जुमा भी पढ़ेंगे तो रमजान में लोग पढ़ रहे हैं नमाज मस्जिद में, महल्ले में 10 मस्जिद है, उसमें से एक दो मस्जिदों में जुमा होती, तो जुमा को तो मस्जिद पुरती है, रमजान में नहीं पुर रही आम नमाज, इसका मतलब जुमा भी नहीं पढ़ते बहुत से लोग, ये बात हुई ना, नमाज नहीं पढ़े। तो कहा नमाज सुस्ती करते हैं। दूसरा आपने फरमाया, ईशा और फजर की नमाज
منافق پر بہت بھاری جاتی ہے، بہت مشکل ہوتا ہے اس کو. عشاء اور فجر کی نماز، دیکھیں ہم میں سے بہت سے لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن کون کون سی پڑھتے ہیں؟ یہاں سے نکل گئے، آفس چلے گئے، جاب پہ چلے گئے، کام پہ چلے گئے، تو ظہر عصر مغرب، اور اس میں سے بھی ظہر عصر مغرب بہت سے لوگ اس لیے پڑھتے ہیں کہ مالک اس کے بہانے چھٹی دیتا ہے، ورنہ چھٹی نہیں ملتی ہے. تو کام سے بچ جائیں گے، تھوڑا جا کر چائے وائے پی کے آ جائیں گے تو تین ٹائم کی نماز پڑھ لو، لیکن گھر آنے کے بعد عشاء نہیں پڑھتے کبھی. یہ نفاق، کہ اگر منافق نفاق نہ ہوتا تو ایک آدمی نے جو تین نمازیں پڑھا چوتھی کیوں چھوڑ رہا ہے؟ اگر تین فرض ہے تو چوتھی کا فرض نہیں، اور فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں. تو کہا منافق پہ عشاء اور فجر بھاری جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے روایت میں آتا ہے، جب آپ نماز کے لیے اٹھتے تو مائی عائشہ فرماتی ہیں، وہ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ جب نماز کے لیے اٹھتے تو فجر کے لیے جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھتے. وہ کہتی ہے جب آپ فجر کی نماز کو اٹھتے تو سستی سے نہیں اٹھتے، جب میں اٹھاتی تو سیدھا اٹھ کر کھڑے ہو جاتے سیدھا، چونکہ اگر سستی کریں گے تو نیند لگ جائیں گے، سیدھا جھٹکے سے اٹھتے. اور منافق کیسا اٹھتا ہے نماز کے لیے؟ سستی سے. آپ نے فرمایا وہ نماز منافق کی ہے، وہ نماز منافق کی ہے، وہ نماز منافق کی ہے کہ جب دیکھتا ہے سورج ڈوب رہا ہے پیلا ہو کر تو اٹھ کر جلدی سے بھاگتا ہے، وضو کر کے چار رکعت عشاء جو ہے عصر کی چار کوے کی سی ٹھونگ مار لیتا ہے زمین کے اوپر. وہ نماز منافق کی ہے جو سورج کو ڈوبتا ہو، مطلب اول وقت چھوڑ کے ایک دم آخر تک انتظار کرے، سورج پیلا پڑ کے ڈوبنے لگے پھر فوراً جاتا ہے وضو کر کے چار ٹھونگے کوے کی سی مار کے چار رکعتیں پڑھ لیتا ہے، کہا منافق کی ہے. تو منافق سستی کرتے ہیں. سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے، تابعی کا واقعہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ صحابہ کے ایسے واقعات ہیں کہ ممکن نہیں ہے کہ میں آپ کو سمجھا بھی سکوں کیسے ان کے اعمال تھے. سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی ایک تابعی، ان کے تعلق سے آتا ہے، بہت بڑے محدث تھے. آپ کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ کی سیرت میں کہ 40 سال تک آپ مسجد کے اندر اذان سے پہلے موجود رہا کرتے تھے. 40 ایئرس، کبھی ایسا نہ ہوا کہ سعید مسجد میں نہ تھے اذان سے پہلے. نماز تو دور کی بات ہے، نماز کی آخری، اذان سے پہلے 40 سال تک ہر نماز میں آپ مسجد میں رہتے تھے اور آپ مدینہ میں رہتے تھے. اذان سے پہلے 40 سال کی نمازیں آپ کیسی تھی کہ اذان سے پہلے مسجد میں کھڑے ہیں آپ؟ لیکن آج ہماری سستی کا کیا حال ہے؟ جب کوئی کہے کہ جمعہ کی نماز کھڑی ہو رہی ہے تو بولتے ہیں ابھی تو خطبہ چل رہا ہے نا، دیکھیں گے. جب امام کھڑے ہو رہے، کھڑے ہو چکے تھے، ابھی تو قیام میں ہے نا، رکوع میں مل جائیں گے. ارے امام رکوع میں چلے گا، رکوع میں گیا تو کیا ہوا، اگلی رکعت مل جائیں گے نا، چلے جائیں گے. جمعہ کی بات کر رہا ہوں، عام نمازوں میں تو بہرحال بتانے کی ضرورت بھی نہیں. ٹھیک، اسی طرح منافق کی ایک اور صفت ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کوئی بھی کام دکھاوا اور ریا کے لیے کرتا ہے، شو آف، دکھاوے کے لیے، ریا کے لیے وہ کام کرتا ہے منافق. ٹھیک، اور اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا اور کہا، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت 142 میں، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ، کہ نماز پڑھتا ہے تو سستی سے پڑھتا ہے، اور جو نماز پڑھتا ہے کیوں پڑھتا ہے معلوم؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتا ہے. يُرَاءُونَ النَّاسَ، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے منافق، اللہ کے لیے نہیں پڑھتا ہے. ریا، يُرَاءُونَ النَّاسَ، ریا دکھاوے کو کہتے ہیں. دکھاوا بہت سنگین جرم ہے، یاد رکھیں. انشاءاللہ میرا ایک عنوان ریا اور اخلاص پہ انشاءاللہ عزیز دو کل چھوڑ کے پرسوں انشاءاللہ آئیں گا. ریا، تو منافق نماز جو پڑھتا ہے وہ جو سستی والی، وہ بھی اس لیے پڑھتا ہے کہ صحابہ سمجھ نہ جائے کہ یہ منافق ہے، کہ مسلمان سمجھ نہ جائے کہ یہ منافق ہے، اس لیے پڑھتا ہے وہ جو کچھ پڑھتا ہے. ٹھیک، تو سستی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ کوئی بھی عمل ہم دکھاوے کے لیے نہ کریں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کر دی اور فرمایا کہ ریا شرک ہے. مسند احمد کی روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اخوفا ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، قالوا وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ، قال الریا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، میں جس بات کے لیے تم سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں اے صحابہ، وہ ہے شرک اصغر. صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول، شرک اصغر، چھوٹا شرک کیا ہے؟ تو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا قال الریا، کہ تم کوئی عمل کرو لیکن وہ عمل اللہ کے لیے نہ ہو، خالص دکھاوے کی نیت سے ہو، اسے کہتے ہیں ریا. تو منافق نماز پڑھتا ہے، صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے دکھاوے کے لیے. ساتویں صفت جو منافق کی آتی ہے قرآن حدیث میں جو ملتی ہے، وہ یہ ہے جو سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت 142 کا یہ قصہ آپ نے، اللہ نے فرمایا، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. منافق اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا، اللہ کے ذکر سے منافق اجتناب کرتے ہیں، منافق پہ اللہ کا ذکر بہت بھاری جاتا ہے. اور آج ہماری زندگیاں بھی افسوس کی بات ہے، آپ ٹیلی کیجیے کتنی اللہ کے ذکر سے دور ہے. انشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ بھی اگر بولا جاتا ہے تو مخصوص موقع پر، مخصوص کاموں کے لیے ہے نا. اگر میں کسی سے کہہ دوں سبحان اللہ تو کوئی کہیں گا کس نے شعر کہا، پھر آپ سبحان اللہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ کا معنی اللہ پاک ہے،
किसी ने कह दिया इंशाल्लाह तो आप कहेंगे हाँ ये धोखा देने वाला है, अगर किसी ने कह दिया माशाल्लाह तो आप बोलेंगे मैं इतना मोटा हूं, तो माशाल्लाह क्यों कह रहे हैं आप, क्योंकि माशाल्लाह जब कहते को मोटा आदमी हूं, जबकि माशाल्लाह का माना अल्लाह ने जैसा चाहा, माशाल्लाह कितना अच्छा घर है, माशाल्लाह कितनी अच्छी आपकी औलाद है, माशाल्लाह कितनी अच्छी चीजें आप लेते हैं, माशाल्लाह आप बड़े अच्छे हैं, माशाल्लाह का माना जैसा अल्लाह ने चाहा, इंशाल्लाह जो अल्लाह चाहेगा, सुभान अल्लाह अल्लाह की जात पाक, ये भी खास हो गया ना। कितना कम जिक्र कर रहे हैं हम कि वो खास है, वो जब होता है तो लोग पूछते क्या ऐसा है क्या हमारा मामला, सलाम का क्या हाल है, अल्लाह की किताब जो अफजल जिक्र है उसका क्या हाल है, कितना पढ़ते हैं उसको। तो मुनाफिक पे अल्लाह का जिक्र बड़ा भारी जाता है, तो अल्लाह ने कहा वला यज़कुरुन अल्लाह इल्ला क़लीला, जबकि मोमिनों की सिफत अल्लाह फरमाता सूरह हिज्र सूरह नंबर 13 आयत नंबर 28 से फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मईनुल क़ुलूब, मोमिन तो वो है कि जिनके दिल अल्लाह के जिक्र में इत्मीनान पाते, अल्लाह की जिक्र में कुरान की तिलावत में वो इत्मीनान पाते, सुकून आता है। बहुत से लोग बोलते हैं हम बेचैन है, अल्लाह का जिक्र कीजिए चैन आ जाएगा इंशाल्लाह, कि तो अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मईनुल क़ुलूब, अल्लाह के जिक्र में कल्ब इत्मीनान पाता है। आगे अल्लाह ने फरमाया जो सूरह बकरा सूरह मदो आत्म 152 है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। तो अगर हम चाहते अल्लाह हमें याद करे तो हमें सिर्फ इतना करना है, हमको अल्लाह को याद करना है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। और हम अल्लाह को अगर याद करते हैं एक अदना मजलिस में मतलब अपनी, तो अल्लाह इससे अफजल मजलिस में फरिश्तों में हमारा जिक्र करता है कि मेरा बंदा मेरा जिक्र करता है, मेरा बंदा फला है। तो मुनाफिक पे जो है जिक्र भारी जाता है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में जिक्र के बहुत से फजाइल बयान किए और जिक्र का बार बार हमें हुक्म दिया, तो जिक्र से अपनी जबानों को तर रखिए, ठीक। इसी तरह आठवीं सिफत मुनाफिक की जो ये कि मोमिनों को बेवकूफ समझता है और ईमान लाने वालों को जो है मुनाफिक जो है उनका मजाक उड़ाता है, मोमिनों को बेवकूफ समझता है और ईमान लाने वालों का मजाक उड़ाता है। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 12 में फरमाया और कहा वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमना नासु क़ालू अनूमिनू कमा आमना सुफहा, जब इनसे कहा जाता है कि वैसे ईमान लाओ जैसे सहाबा ईमान लाए, तो ये कहते हैं कि हम वैसे ईमान लाए जैसे वो बेवकूफ ईमान लाए। तो सहाबा को ईमान वालों को मुनाफिक क्या समझता है, बेवकूफ, की अच्छे खासे थे, खुशहाली में थे, इस नबी पे ईमान लाए, देखो जान भी गया माल भी गया और सब लूट जा रहा तुम्हारा, तो बेवकूफ समझते थे। तो मुनाफिक मोमिनों को बेवकूफ समझता है जब अल्लाह के नाम में कोशिशें करते हैं, खर्च करते हैं, लुटाते हैं, अपनी जान और माल देते हैं, वो समझता है बेवकूफ है, ठीक। तो अल्लाह ने फरमाया सुफा अला इन्नहुम सुफा वलाकिन ला यालमून, जान लो बेवकूफ तो यही है लेकिन इनको पता नहीं है कितने बेवकूफ है, ठीक। दूसरा अल्लाह ने फरमाया आयत नंबर 14 में सूरह बकरा की फरमाया वइज़ा लकुल लज़ीन आमनू क़ालू आमन्ना, और जब सहाबा में होते तो कहते हैं हम ईमान लाए, ठीक। और फिर वइज़ा खलाउ इला शयातीनिहिम, और जब अपने साथियों में जाते हैं तो कहते हैं इन्नमाकुम, हम तो तुम्हारे साथ हैं, इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, हम तो सहाबा का मजाक उड़ा रहे थे। तो मुनाफिक सहाबा को ईमान वालों को बेवकूफ समझता है और उनका मजाक उड़ाता है, इसीलिए मोमिन को मोमिन के मजाक उड़ाने से, बल्कि मोमिन किसी का भी मजाक नहीं उड़ाता है, सिर्फ मोमिन का नहीं, किसी गैर मोमिन का भी कभी मजाक नहीं उड़ाता, इसलिए कि मजाक में आप अपने आप को अफजल उसको बदतर समझते हैं, मजाक आदमी उसी का उड़ाता है जिसको आप अपने से कम समझते हैं, लीस्ट समझते हैं, हीच समझते हैं, निचला समझते हैं, तो मोमिन का मजाक उड़ाता है, बेवकूफ समझता है। नवी सिफत है अफवाहें फैलाता है मुसलमानों के खिलाफ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमाया सूरह नंबर 33 आयत नंबर 60 के अंदर लैन लम यंतही यंतहिल मुनाफिकून वल्लज़ीन फी क़ुलूबिहिम मरदुन वल्मुर्जफून फिल मदीना, अल्लाह फरमाता है अगर अब भी ये मुनाफिक और जिनके दिलों में बीमारी है वो लोग जो मदीना में गलत अफवाहें उड़ाने वाले हैं, मतलब मुनाफिक और जिनके दिल मर्द है जो मुनाफिक के साथ मिले हैं, ये लोग मदीने में क्या करते हैं, अफवाहें उड़ाते हैं। अफवाहें कैसी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा दुश्मनों के खिलाफ जंग में गए हुए और मुनाफिक अफवाह उड़ा रहे, अरे वहां फला ये हो गया वो तो हार गए, ताकि यहाँ मदीने वालों के जहन खराब हो जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में आए और देखो हमारे लोगों की जानों पर जाने जा रही है इनकी वजह से, अफवाहें उड़ाते थे पीछे। तो अफवाहें उड़ाना मुनाफिकों का काम है। दसवीं सिफत जो अल्लाह ने बयान की वो ये है तकदीर पर ईमान इनका कमजोर होता है और ये जो है तकदीर में गलतियां बताते हैं, अल्लाह की जो मर्जी है तकदीर है उसमें गलतियां बताते हैं और जो इनका ईमान कमजोर होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमाया सूरह आले इमरान सूरह 3 आयत 168 में फरमाया अल्लज़ीन क़ालू लि इख़वानिहिम वक़ादु लौ तऊना मा क़ुतिलु, अल्लाह रब्बुल फरमाता है कुरान में कहता है कि ये मुनाफिक कहते हैं उन सहाबा के बारे में जो मैदान जंग में गए हैं और उनके बारे में कहते हैं कि अगर वो हमारे साथ होते तो आज मौत ना आती उनको, जबकि हम जानते हैं मौत तय है, इंसान कितना खाएगा कितना जिएगा तय है। तो ये मुनाफिक जब सहाबा शहीद होते थे तो कहते थे अगर ये हमारे साथ होते ना सहाबा तो ये मरते नहीं थे। तो मुनाफिक का ईमान
آخرت پر کمزور ہوتا ہے، تقدیر پر کمزور ہوتا ہے، جبکہ اللہ نے فرمایا اور ان کو جواب دیا اور کہا قل فدرعو ان انفسکم الموتا ان کنتم صادقین، تو کہہ دیجئے اپنے جانوں کو موت سے بچا لو اگر تم سچے ہو تو. کوئی انسان اپنی موت سے بچا سکتا ہے اپنے آپ کو؟ تو جب منافقوں کا ایمان کمزور ہوتا ہے یاد رکھیے جو ہے تقدیر کے تعلق سے. اور آج ہم دیکھتے ہیں اس معاملے میں ہم بھی کہیں نہ کہیں اس طرح سے کہیں نہ کہیں ڈاموڈول ہو جاتے ہیں نا، ہو جاتے ہیں نا تقدیر کے معاملے میں. اگر ہاسپیٹل جلدی لے جاتے تو بچ جاتا ہے نا، اگر وہ گاڑی نہ چلاتا تو آج نہیں مرتا ہمارے ساتھ بیٹھا ہوتا، اگر فلاں کام ایسا نہ کرتے تو آج ایسا ہوتا. آپ نے فرمایا اگر مت کرو، جو ہو گیا وہ ہونا تھا. نصیحت حاصل کرنا ایک الگ بات ہے ان واقعات سے، وہ کام نہیں کرنا، لیکن یہ نہیں کہ اگر مگر نہیں ایسا ہوتا تھا ایسا ہو جاتا تھا، آج میں یہ نہیں کرتا تھا ایسا ہوتا. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا ساری زندگی اسی میں کھپا دیتے، میں وہ جب لے لیتا نا پلاٹ تو آج اتنا فائدہ ہو جاتا تھا، آج کر دیتا نا میں کام تو ایسا ہو جاتا تھا، آج ابا میری بات سنتے وہاں نہیں جاتے تو پھسل کے نہیں مر جاتے تھے، آج تم ہاسپٹل میں جلدی لے کے آتے تو یہ بچ جاتا تھا، آج اس کو دوا مل جاتی تو یہ ہمارے اندر زندہ رہتا تھا. ارے میرے بھائی موت لکھی ہے، ہمارا کام کوشش کرنا ہے صرف، سمجھو اس بات کو. تو منافق کا جو ہے تقدیر پر ایمان کمزور ہوتا ہے. اسی طرح گیارہویں صفت جو ہے وہ یہ ہے، منافق مومنوں کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، رسوا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے سورہ نمبر 33:19 میں اللہ نے فرمایا اور کہا سلقوکم بالسنتن حدادن اشحتن علی الخیر. اللہ کے رسول کو اللہ فرمایا کہہ رہا ہے اور اپنی زبانوں سے بڑی باتیں بناتے ہیں، مطلب اپنی زبانوں سے یہ بڑی باتیں بناتے ہیں منافق، صحابہ کو تنگ کرنے، رسول اللہ کو ذلیل کرنے، ایسی باتیں بناتے تھے گھما گھما کے، مطلب ایسی باتیں کرتے جس سے ذلیل ہو جائے کہ انسان، یہ منافق کی صفت یاد رکھے، ایسی گھما کی باتیں کرنا کہ آدمی ذلیل ہو جائے. اور آج ہم میں سے ہی بہت سے لوگ ہیں، کوئی آیا اور کہے کہ فلاں آدمی بڑا اچھا دین کا کام کر رہا ہے، مطلب اس کا مقصد اس کی تعریف کرنا، تو فوراً ایک آدمی اٹھ کر بولتا ہے، اس کا مقصد ذلیل کرنا ہوتا ہے لیکن الفاظ کیا ادا کرتا ہے، اللہ ان کو ہدایت دے. ایک طرح سے اس کو ذلیل کرنے کے لیے کیا جملہ ادا کر رہا ہے، اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ یار ان کو ہدایت دے، اچھے تو ہے لیکن. تو یہ ہدایت دے بولنا یہ دعا کے طور پر نہیں ہے، یہ ہدایت دے بولنا اس کی کمزوری اور خامی اور اس کے صحیح عقیدے پہ نہ ہونے کی دلیل ہے. ایک طرح سے آپ ایسا پیش کرتے ہیں باتوں کے اندر، یہ کوئی تعریف کر رہا ہے عالم کتنی اچھی، اللہ ہدایت دے بس، تو مقصد اس کو دعا دینا نہیں تھا ہدایت کی، مقصد اس کی غلطی کو بتانا تھی، ہے نا. زبانوں سے ہم ایک طرح سے بات تو اچھی کر لیکن مقصد ذلیل کرنا ہے، تو منافق مومنوں کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح جو ہے زمین نے فساد مچانا، اور فساد مچا کے اپنے آپ کو مصلح سمجھنا، اصلاح کرنے والا سمجھنا. اللہ نے قرآن میں سورہ بقرہ کے اندر ان کی صفت بیان کی آیت نمبر 11 اور 12 میں، اور فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہ جب ان سے کہا جاتا زمین پہ فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے. اللہ نے فرمایا أَلَا إِنَّهُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، سن لو کہ یہی فساد مچانے والے لیکن شعور نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے اس چیز کی. زمین پر فساد مچا کے اپنے آپ کو اصلاح کرنے والا سمجھتے ہیں. اسی طرح 13ویں صفت جو منافق کی آتی وہ یہ ہے دوغلا پن، اندر کچھ اور باہر کچھ، دوغلا پن منافق کی صفت ہے یاد رکھی. اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا اور سورہ منافق سورہ نمبر 63:1 میں فرمایا کہا اذ جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك رسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ یہ منافق آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کہہ رہا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ یہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جان لیجئے یہ منافق جھوٹے ہیں، جھوٹے. مطلب جو آپ کے پاس آ کر یہ کہہ رہے ہیں نا ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، یہ صرف اپنے جھوٹ کو چھپانے کہہ رہے ہیں، دوغلا پانے، سامنے کچھ ہے اور ان کے دل میں کچھ ہے، گواہی تو دے رہے آپ کی رسالت کی لیکن ان کے دل میں نفاق ہے. تو منافق دوغلا ہوتا ہے، اللہ اس معاملے میں ہم پر رحم کرے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں خام خواہ کے دوغلا پن کرتے ہیں، آپ کو نہیں بھی کہا جا پتا چل گیا دو بھائیوں میں جھگڑا ہے، ادھر جا کے اس کی خیر خواہ، ادھر جا کے اس کی خیر خواہ، مقصد دونوں میں لڑائی لگانا، دوغلا پن. ٹھیک ہے، 14ویں صفت جو منافقین کی آتی ہے وہ یہ ہے کہ برائی کا حکم دیتے ہیں اچھائی سے روکتے ہیں. مومنوں کی صفت کیا ہے، اچھائی کا حکم دیتے ہیں برائی سے روکتے ہیں. اللہ رب العزت نے منافقین کے تعلق سے سورہ توبہ سورہ نمبر 9:67 میں کہا فرمایا یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، یہ ایک دوسرے کو منکر برائی کا حکم دیتے ہیں اور معروف اچھائی سے روکتے ہیں، کون منافق، جبکہ مومن کیا کرتے ہیں یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. مومن جو ہے اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور یہ صفت مومنوں کی بار بار بیان کی ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3:110
इसी तरह जो है सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत 71 में दोनों बताया मोमिन जो है एक दूसरे को अच्छाई का हुक्म देते बुराई से रोकते हैं और मुनाफिक क्या करते हैं एक दूसरे को बुराई का हुक्म देते और अच्छाई से रोकते हैं। ठीक, तो ये मुनाफिक की सिफत है। और हम में बहुत सारे लोग दीन की लाइलमी की बुनियाद पर जब कोई आदमी सही भी काम करता है तो उसको गलत मशवरा देता है, नहीं ये गलत है, और एक तरह से वो बुराई का हुक्म देने वाले बन जाते हैं और अच्छाई से रोकने वाले बन जाते हैं। तो इस मामले में याद रखिए कि हम कभी भी कोई बात तो कह रहे हैं ये गलत है या वो गलत है या वो तंजीम वो जमात गलत है, इससे पहले आपको इल्म हो कि सही बात क्या है, उसके बगैर आप किसी को गलत मत आप ठहराए, इसलिए कि पता नहीं आप किसी को गलत कह रहे हो और बुराई का हुक्म देने में शामिल हो जा रहे हो, अच्छाई से रोक दे रहे हो किसी को। ठीक है, ठीक। इसी तरह 15वीं सिफत मुनाफिक की जो आती है वो ये है, मुनाफिक बकील होता है, कंजूस। मुनाफिक बकील होता है, वो कंजूस होता है, ठीक, और वो अल्लाह के राह में खर्च नहीं करता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस बात को सूरह नंबर 9 सूरह तौबा आयत नंबर 67 में फरमा कहा कि मुनाफिक वो है जो बुराई का हुक्म देते हैं और अच्छाई से रोकते हैं, और फिर फरमाया وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ, और अपने हाथों को खींच कर रखते हैं, अपने हाथों से अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते। तो मुनाफिक अल्लाह की राह में खर्च नहीं करता, कंजूस होता है, बकील होता है, याद रखिए, ये मुनाफिक की सिफत है। और मोमिन अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, अपने नफ्सों को जरूरत के बावजूद भी वो दूसरों के लिए खर्च करते हैं, मोमिनों की सिफत है। ठीक है, इसी तरह जो है 16वीं सिफत जो मुनाफिकीन की आती है वो ये है कि अल्लाह और उसके रसूल के वादों का उनको यकीन नहीं होता। अल्लाह और उसके रसूल ने जो वादे किए उनको यकीन नहीं होता उस चीज का। आइए एक वाक्य सुनिए, सही मुस्लिम की रिवायत है, जंग खंदक में यह हुआ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के साथ वो खुदाई कर रहे थे। हम जानते जंग खंदक में एक प्लान बनाया गया कि दुश्मन से मदीना को बचाने के लिए हम खंदक खोद देंगे, गढ़ा कर लेंगे। जब खंदक खोदी जा रही थी तो एक जगह पत्थर आ गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया कि अल्लाह के रसूल पत्थर आ गया, बड़ा मजबूत है, टूट नहीं रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है, आपने कुदाल लेकर उस पर मारा तो उसमें से एक सफेद रोशनी, दूसरी कुदाल मारा तो एक लाल रोशनी निकली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुझे ये बताया गया है कि तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत कैसर और खिसरा के जो है खजाने अता फरमा देगा, और कैसर और खिसरा ये उस जमाने के सुपर पावर्स थे दो, और यहाँ हालत तो ये थे जाहिरी कि मदीने को डिफेंड करना भी मुश्किल जा रहा था सहाबा के लिए, कि जंग ना लड़ने के बदले सोचा गया था कि हम खुदाई करके खंदक बना लेंगे। तो मुनाफिकीन में के जो सरदार कुछ लोग थे फौरन गए और मुनाफिकीन के सरदार से कहा जो जमाने में अब्दुल्ला बिन उबई उसका नाम था, कहा कि मोहम्मद सल्लम बोल रहे हैं कि जो लोग खाने और भूख भूख मरी से परेशान हैं, जो मदीने को बचा नहीं सकते, वो जो है खैसर व खिसरा पे राज करने वाले हैं, उसके खजाने इनके पास आने वाले हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस बात का जवाब कुरान में यूं दिया और फरमाया वाइज़ यकूल المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعد الله ورسوله الا غرورا, वो लोग जो मुनाफिक है और जो उनके साथ जिनके दिलों मर्ज है वो कहते हैं कि अल्लाह के और उसके रसूल जो वादा करते हैं ना वो सिर्फ एक दिखावा है, वो सिर्फ एक बात है, उसकी हकीकत नहीं है कुछ। तो अल्लाह उसके रसूल के वादों पर उनको यकीन नहीं, और अफसोस की बात है, ये तो मुखलिस खालिस मुनाफिकों की बात हो रही है। हम में से बहुत सारे लोग हैं जब अल्लाह किताब की बातें और उसकी आयतें आती हैं, जब रसूलुल्लाह की ऐसी बातें जो बात समझ में नहीं आती कभी, वो कहते नहीं समझ में नहीं आ रही तो हम इन चीज़ों को नहीं मानते, इन वादों पर हमको यकीन नहीं। किसने देखा जन्नत, किसने देखा जहन्नम, किसको पता कौन कहाँ जाने वाला भाई, अपन इसको नहीं मानते, है ना। अल्लाह उसके रसूल वादा कर रहे हैं अपने, अल्लाह वादा कर रहा है जन्नत जहन्नम का, रसूल वादा कर रहे हैं कि अगर ये काम करो तो, हमको यकीन नहीं। तो बहरहाल वो मुनाफिक जो है उसकी सिफत है, वो वादों पर ईमान नहीं रखते। इसी तरह 17वीं सिफत, लोगों के डर से गुनाह करते हैं, गुनाह नहीं करते लेकिन जब अकेले होते हैं तो गुनाह करते हैं। मुनाफिक की सिफत क्या है, जब लोगों में होते तो गुनाह नहीं करते, नहीं नहीं भाई लोग देख रहे हैं, जब लोगों से निकल जाते हैं तो बराबर गुनाह करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस बात को सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 108 में फरमाया, कहा वो लोगों से छुप जाते हैं और अल्लाह से नहीं छुप सकते, मतलब लोगों से छुपते अल्लाह से नहीं छुप सकते, वो रातों के वक्त जबकि अल्लाह की नापसंदीदा बातों के खुफिया मशवरे करते हैं, इस वक्त भी अल्लाह इनके पास होता है इनके तमाम आमाल को घेरे हुए। मतलब मुनाफिक जब सहाबा में होता है तो नेक काम करते थे और जब अकेले में जाते तो गुनाह करते थे। आज हम में से ही बहुत से लोग ऐसे हैं, लोगों में होते हैं तो बड़ी नमाजें हैं, लोगों में है तो फौरन को फकीरा तो सदका कर रहे हैं, अकेले में अगर है तो कोई नमाज नहीं, फकीरा तो गाड़ी देखे अकाल दे रहे हैं उसको। तो लोगों में है तो नेकियाँ कर रहे हैं, लोगों की नज़रों से छुप गए तो गुनाह कर रहे हैं, है ना, होता ही नहीं होता। औरंगाबाद शहर में है और औरंगाबाद के अंदर लोग हमको पहचानते हैं तो यहाँ गुनाह नहीं, लेकिन हम मुंबई पुणे चल जाए तो फिर आप देख के बोलेंगे ये वही है क्या जो औरंगाबाद में देखते, हाँ ये वही है, अरे यार ये तो यहाँ अजीब हो गया, हाँ नहीं ये तो चूंकि आप यहाँ कौन पहचानता उसको, अब तुमने गलती से देख लिया उसको वहाँ। तो लोगों में है तो नहीं नहीं गुनाह नहीं करना, इसलिए कि लोग बोल देंगे पहचानेंगे क्या सोचेंगे, है ना।
जब लोगों में नहीं है तो हल्ले से गुनाह करते हैं या लोगों से दूर जाते तो गुनाह करते हैं। तो ये जो है मुनाफिक की याद रखे सिफत है कि वो लोगों में गुनाह करते हैं, अकेले में जो है लोगों के सामने गुनाह नहीं करते, अकेले में करते हैं। इसी तरह 18वीं सिफत जो मुनाफिक की वही है कि अपनी कस्मों को आड़ बनाते हैं अपने बुरे कामों के लिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब मुनाफिक कोई गलत काम करते फौरन अल्लाह की कस्म खाकर कहते कि अल्लाह के रसूल हम सच्चे हैं, अल्लाह गवाह है, अल्लाह की कस्म हम सच्चे इस मामले में। तो अपनी कस्मों को अपने गुनाह के लिए मुनाफिक आड़ बनाता है, ठीक है। और आज हम में से बहुत से लोग अपनी कस्मों को अपने माल बेचने के लिए, अपने गुनाहों को छिपाने के लिए, लोगों की ज़मीन जायदाद और दुनिया का थोड़ा सा माल लूटने के लिए झूठी कस्में खाते हैं। अल्लाह ने मुनाफिकीन के ताल्लुक से कहा और फरमाया सूरह मुनाफिक सूरह नंबर 63 आयत नंबर 2 में, इन्होंने अपनी कस्मों को ढाल बना लिया है, बस अल्लाह के सामने जो है अल्लाह की राह से रुक गए, बेशक बुरा है वो काम जो ये करते हैं। अपनी कस्मों को ढाल बना लिया था, जैसे जंगे मुता में ये साथ न चले, ठीक है, और आकर जो है फौरन कस्में खा ली कि हम बहुत फला मसला था। और तीन सहाबा जो नहीं गए थे उन्होंने झूठी कस्में नहीं खाई, कहा कि हम वाकई में जाना चाहिए था, हम नहीं गए। फिर अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की, लेकिन मुनाफिक ने फौरन झूठी कस्में खाई, रसूलुल्लाह ने सबको माफ़ कर दिया, कहा जाओ। तो अपनी कस्मों को ढाल बनाते हैं। आज बहुत से हम में से मुसलमान अपनी कस्मों को किसी का माल लूटने, थोड़ी सी मोहब्बत हासिल करने किसी की, थोड़ा सा अपने दूसरों को सहानुभूति इसको कहते हैं उनका अपनी तरफ रुझान करने के लिए, थोड़ा माल करने के लिए, थोड़ा माल बेचने के लिए झूठी कस्में खा लेते हैं। इसी तरह 19वीं जो सिफत है मुनाफिक की वही है कि मोमिन पर आफत और मुसीबत आती है तो खुश होते हैं, और मोमिनों को अच्छा होता है तो इनको बहुत बुरा लगता है। मोमिनों पे अगर कोई मुसीबत आती है तो खुश होते हैं, और अगर मोमिन खुश होता है तो परेशान होते हैं, है ना। जैसा कि मिसाल के तौर पर किसी इलाके में मुसलमानों पे कोई मुसीबत आ गई तो हमें तो गमगीन होना चाहिए ना। बहुत से मुसलमान बोलते हैं बहुत मस्ती में आए थे, अच्छा हुआ उनके साथ, ऐसे ही होना चाहिए था। आप उनकी मुसीबत पर खुश हैं, आप उनकी मुसीबत पर यह कहते हैं कि अच्छा हुआ वो लोग तो ऐसे ही थे, जबकि हम किसी के अमल के दारोगा थोड़ी कि हमको मुकम्मल इल्म हो कि वह लोग वाकई में ऐसे थे नहीं थे, बस आपने एक अमल देख लिया वो शहर में ऐसा हो रहा था और पूरों पे आपने इल्ज़ाम लगा दिया, है नहीं। मुनाफिक खुश होता है जब मोमिन को तकलीफ होती है, और बड़ा गमगीन हो जाता है जब मुसलमानों को खुशी और कोई अच्छाई पहुँचती है, ठीक। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात को सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 50 में फरमाया और कहा कि जब तुझे कोई अच्छाई पहुँचती है नबी, या सहाबा को अच्छाई पहुँचती है, तो ये क्या करते हैं, बहुत गमजदा हो जाते हैं, इनको बुरा लगता है, इनको बुरा ही लगती है कि क्या हो रहा। और जब आपके बारे में कहा तुसीब का मुसीबत, और जब तुम तक कोई मुसीबत पहुंचती है, तो यकूलू कि जब ये कहते हैं कि हमने तो अपना मामला पहले से ठीक ठाक करके रखा था, ये मुसलमान ऐसे ही करते हैं। जैसे कि अगर कोई जंग में सहाबा और रसूलुल्लाह गए, वहाँ अगर फतेह मिल गई तो इनको गम होता है कि यार ये कैसे हो गया, और अगर हार की खबर आई तो कहते देखो हम तो पहले ही नहीं गए थे ना, देखो हमको मालूम था ऐसा होने वाला इसलिए मदीना में रह गए। तो अगर मुसीबत आती है तो खुश होते हैं, और खुशी अल्लाह देता है तो नहीं गम होता है। और आखिरी सिफत जो आज मैं रखने वाला हूँ 20वीं सिफत, वो ये है कि अल्लाह की किताब और उसके रसूल के हुक्म को अपने लिए, जिसको कहेंगे हकम नहीं बनाते, फैसला कुन चीज़ नहीं समझते, ठीक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 48 में फरमाया وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ, जब इनसे कहा जाता है कि आओ अल्लाह उसके रसूल की तरफ कि ये तुम में फैसला कर दे, तो नबी तुम देखोगे एक जमात इनमें से निकल कर, फरीक निकल कर मुँह फेर कर चली जाती है। फिर आगे फरमाया वहीं यकुन लहुमुल हक या तो इलाही मुज़ईनीन, लेकिन अगर कोई बात इनके नफे की हो, अगर कोई फैसला इनके हक में जाता हो, तो बड़े खुशी खुशी आपके पास आते हैं कि बहुत अच्छा फैसला है, लेकिन अगर फैसला इनके खिलाफ हो तो नाराज़ होकर चले जाते हैं। जबकि मोमिन की सिफत क्या है, अल्लाह उसके रसूल की बात हो, चाहे मेरे हक में हो चाहे मेरे खिलाफ हो, मैं वो काम करूंगा। और मुनाफिक अगर हक की बात है तो खुश है, वरना नाराज होते हैं। तो यहाँ अल्लाह ने फरमाया वाइजा दो इल्लाह व रसूली, जब कहा जाता है अल्लाह उसके रसूल की तरफ लिया हुकुमा बैनहुम, ताकि तुम्हें फैसला करे, तो एक फरीक मुड़कर चला जाता है। ये बड़ी अफसोस की बात है कि आज बहुत सारे इख्तलाफात और मसाइल में हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की किताब और उसके रसूल की सुन्नत को तर्क कर देते हैं, और अपनी मनमानी, अपनी सोच, अपनी समझ, अपनी ख्वाहिशात, अपने उसकी पैरवी करते हैं। हमारे समाज में होता, हमारा कबीला ही करता, हमारे खानदान में ही होता चलाया, अल्लाह की किताब उसके रसूल क्या बोलते, ठीक है, लेकिन ये हमारे पास नहीं होता तो हम नहीं करेंगे। मुनाफिक तो खालिस मुड़कर जा रहे हैं, मोमिन का शहवा है कि वो क्या करता है, समय ना हुआ था, हमने सुना और हमने इताअत की, जबकि मुनाफिक नाराज हो जाता है अगर फैसला कोई करे अल्लाह उसके रसूल नहीं, मुझे पसंद नहीं, तो नाराज हो जाता है, मोमिन का नहीं। तो कोशिश करें कि हर मामले में हम अल्लाह और उसके रसूल को हाकिम माने, और आपका फैसला हमारे लिए जो है आखिरी हद हो, और उसी के मुताबिक हम जो है वो करें। ये नहीं कि फैसला अगर हमारे हक में, ऐसा होता है ना बहुत से लोग,
विरासत का मसला है। अब विरासत के मसले में अगर कोई कह रहा है कि मैं बहनों का भी हिस्सा है तो अरे यार ये फैसला नहीं जमने वाला अपने, और ढूंढते अपन रास्ता। हाँ अरे उन्होंने बोल रहे कि वो नहीं दिए भी तो चलता, हाँ ये बहुत अच्छा है, ये अपने सूटेबल दिख रहा है कि बहनों का हिस्सा नहीं देना अपने। जबकि याद रखिए विरासत के मामले में अपने बहनों का हिस्सा देना, ये विरासत का मामला इल्मुल फराइज में आता है। इल्मुल फराइज का माना होता है ये वो इल्म है जिसका देना फर्ज है, इस काम का करना इल्मुल फराइज बोलते हैं। और विरासत के देने के मामले में अल्लाह ने लड़की को या औरत को उसूल बनाया, मर्द को उसूल नहीं बनाया। कुरान ने कहा कि अगर जो हिस्सा देना है तो मर्द का हिस्सा औरत के औरत से दो गुना या दो औरत के बराबर है। तो गोया मर्द के हिस्से के लिए जो पैमाना है वो औरत है, जो पैमाना है जिस पैमाने से विरासत तकसीम होंगी तो मर्द को डबल मिलती है औरत से। तो अल्लाह ने ये नहीं कहा कि औरत का हिस्सा मर्द का आधा है, अल्लाह ने कहा मर्द का हिस्सा औरत का दुगना है, मतलब पैमाना औरत को बनाया, मतलब विरासत की हकदार औरत कितनी है कि वो पैमाना है उसके लिए। तो जब विरासत का मामला है तो नहीं ये अपने को बात नहीं जमती, भाई अब्बा ने कमाया आप उनके अपने शादी बहनों का हिस्सा क्यों देंगे, तो ये बात नहीं जमेंगे। हाँ अगर कोई कह दे नहीं ऐसा नहीं भी दे चलता, हाँ वो कितना अच्छा फैसला दिया इन्होंने, तो फैसला अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक नहीं, फैसला अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक। और अगर हक में हो तो फिर तो बड़े चले, जैसा कि जब कोई मामला मेरे खिलाफ हो तो मैं किसको भी नहीं मानता, जब कोई मेरा मामला मेरे हक में हो, अल्लाह किताब उसके रसूल की बात तो मानो, कैसे मुनाफिक बन गए तुम, चलो वो बोलता क्यों पहले केस में नहीं, वो अलग बात थी, वो पुराना मामला था, अब तो ना अपने हक की बात है अल्लाह उसके रसूल की तरफ, और जब अपने खिलाफ को अल्लाह उसके रसूल की बात लाए तो नहीं यार अपने पास तो तरीका ही नहीं ना, तो अपन अब ये सोच ही नहीं सकते इसके बारे में। लेकिन दूसरा मसला है तो नहीं नहीं अल्लाह उसके रसूल जो बोलते हैं ना वो मामला अपने को करना है, इसके आगे अपन नहीं जा सकते, ये अपने लिए हद है। तो क्यों, जब अपने लिए मामला अगर सूटेबल है तो कुरान हदीस का सहारा, और उसके लिए भी पहले पूछ लेते आलिम साहब से ही अपने हक में, करे पक्का आलिम साहब कोई इख्तिलाफ नहीं है, कोई इल्म अलग नहीं बोलते, हाँ बहुत अच्छी बात बोल दी आपने, अब मैं तो कुरान हदीस पर अड़ गया। लेकिन अगले केस में अगले मामले में अगर फरीक के हक में तो नहीं यार वो सब कुरान हदीस है, लेकिन अब यहाँ कहाँ होता अमल, कौन कर रहा आज की दुनिया में, है ना, तो ये नहीं हुआ वही अमल कि अल्लाह उसके रसूल को हाकिम जब बनाया, जब अपने मफाद का मामला हो और बाद में तर्क करने जो मफाद का ना हो, तो मुनाफिक की सिफत है अल्लाह उसके रसूल को हाकिम नहीं जानते हैं, याद रखिए। और जब फैसला अपने हक में हो तो बहरहाल वो मानते हैं, और ना हो तो पलट कर चले जाते हैं। अब अगर कोई इंसान खालिस मुनाफिक था उसकी